हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब कोरोना से सुरक्षित होंगे। हम भी सुरक्षित हैं, हमें कोरोना होकर निकल गया लास्ट जुलाई। मतलब मैंने बहुत लंबे टाइम से व्लॉगिंग किया है। हाँ, उसके बाद मैं कोरोना के टाइम जब हुआ था उसके पहले जब लास्ट व्लॉग था उसके बाद आज स्टार्ट कर रही हूँ। वो भी सडन बैठे बैठे फिर से मूड हो गया कि चलो बहुत दिन हो गए मोबाइल के साथ गुफ्तगू में यही हुई है, इसलिए व्लॉगिंग की जाए। ये है मेरी आटा गूंथने की मशीन। इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं सिर्फ आटा ही गूंथती हूँ। इसमें लिखा हुआ था बॉक्स पे कि इसमें आप फेंटने वाली चीजें जितनी है वो सारी कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आटा गूंथने के लिए यूज करती हूँ। तो ये है उसका, ये इस टाइप की मशीन है और ये उसका जार है। ये मैंने यहाँ रखा हुआ प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हमें आटा गूंथना रहता है। ये है क्लियर लाइन की, ठीक है। तो ये मशीन थी इस तरह की और उसके ऊपर जैसे हमारे मिक्सर के जार आते हैं उस टाइप से ये एक जार सामान है और इसके अंदर ये ब्लेड जैसी है। एक्चुअली ये ब्लेड नहीं है, ये है मतलब ये प्लास्टिक का है जो से घूमता है इसके ऐसे ऐसे, और उसी से आटा हमारा उसन जाता है, गुथा जाता है, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं पसंद है उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बट उस समय मेरी तो मजबूरी थी लेने के लिए। और उसके अराउंड अराउंड ही हम लोगों ने ये एल्यूमिनियम वाली चीजें जो है वो किचन से रिटायर करना स्टार्ट करी थी। बट ये भी एल्यूमिनियम है एक्चुअली, जो भी नॉन स्टिक आप यूज करो अंदर से एल्यूमिनियम ही निकलता है, तो ये नॉन स्टिक टाइप ही था ताकि, क्योंकि प्लास्टिक वाला जो उस समय मैंने बहुत सारे चैनल्स पे या सर्च किया था या रिव्यूज पढ़े थे, तो जो हमारे क्या कहते हैं इसे मिक्सर ग्राइंडर के साथ में जो बड़ा सा एक जार आता है प्लास्टिक वाला जिसके अंदर हम आटा उसन सकते हैं, उसमें क्या हो रहा था, आटा चिपक रहा था लोगों का उसको निकालने में। फिर उतना आटा वेस्ट होता है बहुत, मतलब वो बुरा भी लगता है कि हर बार आप इतना आटा वेस्ट क्यों करोगे, वो चिपक जाता है। अब हाथ से निकालो फिर करो, वो भी अलग मुसीबत है। तो इतना डेली तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है ना कि 50% काम तो आपका मतलब मन नहीं मानता। उससे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा, ये भी मैंने एक जगह रिव्यू देखा करा, अमेजन पे भी रिव्यूज पढ़े, उसके बाद ही मैंने परचेस किया है। और लिटरली ये मुझे आज तक बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। और इसके पीछे तो एक हिट भी हो गई थी इसका ये घूम गया था फिर है ना, मिल गया, बाय चांस मिल गया, नहीं तो नया खरीदना पड़ता। और नया फिर 500 तक का आ रहा था शायद से, अब तो पता नहीं प्राइस। उस समय जब घूमा था तो मैंने चेक किया था, मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे नया लेना पड़ेगा। उस समय 500 का आ रहा था, अब देखती हूँ कितने का आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का है इसके अंदर, और ये इसका ढक्कन रहता है। यहाँ के लिए भी एक था बट मैं इसमें से पानी डालती हूँ और रेगुलर में डेली का ही यूज है, तो मैंने निकाल के रख दिया, वो मेरे को काम का नहीं आता। अब इसको हम यूज कैसे करती हूँ मैं ये आपको बता देती हूँ, ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम आटा डालेंगे। आटा इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया, 500 ग्राम यहाँ लिखा हुआ, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, ये दिखा क्या, सेल्फी कैमरे से बना रही हूँ ना तो वो उल्टा दिखेगा। तो ये 500 ग्राम का है, बट मैं इसमें 1 kg तक का आटा आसानी से उसन लेती हूँ। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है जिसमें 1 kg के अंदर आप आटा उसनना डेली रहता है आपको, तो आप इसको इजीली उसन सकते हैं। तो ये कंटेनर के अंदर मैंने आटा ले लिया है, आपको जहाँ मार्किंग दिख रही है वहां तक 500 ग्राम आता है, मैंने अप्रोक्स उतना ही या उससे कम थोड़ा बहुत लिया है। एक्चुअली अपन जब एक्चुअली जब हम रोज रोटी बनाते हैं ना तो हम नाप के नहीं बनाते कि हमने इतने ग्राम का आटे की बनानी है या इतना उसमें पानी मिक्स करना है। हमारा क्या रहता है कि हाँ अंदाजे से गूंथते टाइम जो हमारा हिसाब किताब रहता है कि हाँ इतना फूर जाएगा, इतना नहीं फूरेगा, थोड़ा और ले लो, तो इस टाइप से। तो वो इसमें भी वो चीज सही है, मतलब इसमें आप अंदाजे से अपना पानी का भी कोई नाप नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कि कैसे इसमें पानी डालते हैं तो सही आटा गुथा जाता है। आटा ले लिया है, ये पानी है, इससे हम आटा उसनेंगे। मशीन में हमारा जार फिट कर लेते हैं। इसका प्लग है ये वाला, मतलब आपको पावर सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल वाला 250 वोल्ट वाला है, 6 एम्पियर वाला। तो ये मैं इसमें लगा देती हूँ। ये इसमें ऐसे फिट हो गया, ये ढक्कन लगा दिया, ये इस तरह की ढक्कन लग गया। तो
हम लोग आटे में थोड़ा नमक डालते हैं, तो मैं थोड़ा नमक डालूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो नमक है ये थोड़ा मिक्स हो जाए, तो मैं इसको ये इसका घुमाने का, तो मैंने इसको घुमा दिया, ये आटा मिक्स। अब आप अंदाजे से थोड़ा थोड़ा पानी डालना। अगर आपने सोचा कि आप एक साथ पानी डाल दो तो वो घाटा बन जाएगा, मतलब वो बहुत गीला हो जाएगा, क्योंकि वो या तो बहुत कट्ठा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। तो अंदाजे से 2 मिनट आपको खड़ा रहना है और धीरे धीरे करके पानी उसमें अपने आप आपको दिखेगा आटा उस समय शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हमने पानी डाला, आटा उसना स्टार्ट हो गया है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा पानी और डालना है, क्योंकि मुझे हल्का सा गीला, मतलब एकदम कड़क आटा मुझे पसंद नहीं है। हमारी अभी यहाँ तक ही पहुंची थी, यहाँ मुश्किल से एक्चुअली 5 मिनट लगते हैं आटा उसलने में इस मशीन को। मैं जानबूझ के उसको वहां तक कर देती हूँ, ताकि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अपने आप वो आटे के नहीं रहते, जितना गूंथ हो उतना अच्छा नरम हो जाता है। इस तरीके से फिर जब ये होता है तो मैं अभी क्या अटक रहा है जैसे, तो मैं इसको निकाल देती हूँ ताकि ये गुड़ गुड़ ना करे। अब जो नई मशीन आई है ना, उसमें यही फायदा है कि उसमें शायद लॉक सिस्टम है आपको, तो आपको इसको निकालना नहीं पड़ता, आप पहले से लगे रहे, ये तो अपने आप गिर जाएगा थोड़ी देर। इस तरीके से ये आटा उसन रहा है, देखो इसमें चिपक नहीं रहा बहुत कम, ये जो नीचे चिपक रहा है ना, अभी जब मैं हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी डालूंगी ना तो वो भी निकल जाएगा। ऑयल देखा सामने, तो ऑयल डाल दिया है, घी भी डाल देती हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, आप अभी आटा उसन चुका है तो अब आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और इसमें भी कुछ स्ट्रिक नहीं पड़ा, ओके सी है, यहाँ से यहाँ पहुंचा है बस, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, मतलब वो 10 मिनट्स भी नहीं हुए, और वो भी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से नरम हो जाए। ये आटा हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब हम इसे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये निकाला हमने, ओके तो ये आटा है, ये अब हम निकाल लेते हैं। एक्चुअली मेरा फोन गिर गया और फिर ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं पड़ा, मतलब मुझे लगा कि चालू ही और मैंने लगा दिया। तो ये आटा मैंने निकाल लिया था इसके अंदर से, और ये देख लो ये मैं उसना हुआ है, इसको कुछ नहीं है, बहुत सॉफ्ट उसना गया, ऐसे ही था इसके अंदर, और इसके अंदर भी देखो कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको आटा सनने के लिए कोई भी मशीन चाहिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसे मैं 2018 के आस, हाँ 18 मान लो आप, 18 से यूज कर रही हूँ और ये 21 चल रहा है। और इसमें अब हम डेली सुबह शाम आटा सनते हैं, दोनों टाइम ये धुलता है, आप नहीं भी वॉश करो वैसे चलेगा, सिर्फ साफ करके रख दो, बहुत से लोग नहीं करते, मैं करती हूँ, तो इसीलिए दोनों टाइम जब ये वॉश होगा तो यार इतना नॉनस्टिक में के बावजूद भी सिर्फ इतना इसमें स्क्रैचेस आए हैं, और वो नॉनस्टिक इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर निकल रहा है तो वो निकलना चालू हो जाएगा, देखो ये निकलता नहीं, जैसे जैसे इसको पेंट जैसा है ना,
वो नॉन स्टिक है पर पेन ही है, पर वो मतलब ऐसे निकल नहीं रहा, उखड़ नहीं रहा कि आपके खाने में आ रहा हो या आटा उसन रहा हो तो उसमें आ रहा हो, उसमें नहीं आता है। ये बिल्कुल प्रॉपरली इस तरीके से है और मुझे सही लगा। हाँ, अगर आप लोग नॉन स्टिक के फेवर में नहीं है, एल्यूमिनियम के फेवर में नहीं है, रुक जाओ, अगर आप लोग नॉन स्टिक के फेवर में नहीं है या एल्यूमिनियम के फेवर में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ एल्यूमिनियम के फेवर में भी या नॉन स्टिक के फेवर में भी, मेरे यहाँ पे पूरा एक सिर्फ यही एक चीज है और एक तवा था पुराना अभी भी रखा हुआ है जिसको हम यूज ही नहीं करते, उसको भी मैं सोच रही कुछ DIY कर दूंगी। तो ये अकेली चीज है मेरे पास नॉन स्टिक की, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नॉन स्टिक नहीं है। और ये भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, नेक पेन बहुत ज्यादा होता था, हैंड पेन बहुत ज्यादा होता था, आटा उसनते बनता ही नहीं था, तो मुझे ये लेना पड़ा। और तब से अभी भी प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं 2-3 दिन आटा उसन लूंगी, चौथे दिन मुझे फिर पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है या जो भी बोलो, तो क्योंकि नस दबी हुई है, तो उस वजह से मेरी मजबूरी है, मुझे ये यूज करना पड़ता है। और डेली आटा उसनने के लिए आपको हेल्प, आपको ऐसी चीज चाहिए जी फटाफट, मतलब इजी टू हैंडल हो, आपको डेली उतना क्लीन करना, ये करना, इसको क्लीनिंग करना भी बहुत आसान है, ये निकाला इसको धो दिया, ढक्कन को भी इतना इजीली, मतलब एक वॉश में, मतलब इसमें कुछ लगा ही नहीं है, आपको पानी से हल्का सा साबुन लगा के धो दोगे, कोई रगड़ना नहीं, कुछ नहीं, कुछ चिपकट नहीं, कुछ नहीं। तो इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद आया। बस ये है कि इसमें नया वाला जो आ रहा है उसके अंदर ढक्कन के अंदर ऐसे लॉक सिस्टम है, वो बढ़िया रहता है ताकि जब आटा उसन जाए, बहुत बार आटा ऊपर आना स्टार्ट होता है तो उसको दबाए रखता है ताकि और अच्छे से उसन जाए। ये चीज मैंने नोटिस करी, जब थोड़ा ज्यादा आटा इसमें रहता है तो फिर आपको खुद को पकड़ के हल्का सा रखना पड़ता है इसको, ताकि वो आटा अच्छे से उसन जाए। तो वो चीज इसमें नहीं है, नए वाले में पर वो भी है। और ये मुश्किल, मैं इसकी प्राइस लिख दूंगी, मेरे ख्याल से 2500 के आसपास का ही होगा, तो मैंने प्राइस जरूर चेक कर ली थी, भले मुझे गिफ्ट में मिला था तो अप्रोक्स होता ही होगा। आना गए, घंटी बजी है, चलो बाद में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।